हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कठपुतलीला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीसीआई के अपडेट, मतलब बार काउंसिल की अपडेट हुई है फॉर लो स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक न्यूली अपडेट है डिग्री को लेके। साथ ही में कुछ रूल्स और रेगुलेशन फिक्स कर दिए हैं, तो वो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा था कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, या फिर जो अभी तक जिन्होंने मतलब पास आउट कर दिया है उनके लिए, तो ये कम्प्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली लीगल अपडेट और जो भी आपको LLB की क्लासेस चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड अपडेट्स है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। जुडिशियल रिलेटेड भी अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सारी आपको अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखिए, ये BCI की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, इसमें लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के और जो भी सेंट्रल लीगल एजुकेशन है जो कि लो डिग्री देते हैं, समझने की बात है कि जो भी आप जिस भी कॉलेज में आप लोग LLB कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ कॉलेज प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, लीगल एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे क्या है, अगर आप कोई लॉ डिग्री आपको दी जा रही है, मतलब आप LLB कर रहे हो, तो उनके लिए ये एक नोटिस गया है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में BCI के थ्रू। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कॉलेज एंड सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, यहाँ बता रखा है ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट सभी के लिए है, और किस सब्जेक्ट पे है, मतलब यहाँ पे किस सब्जेक्ट पे यह एप्लीकेशन फॉर्म या फिर हम बात करें ऑफिशियल लेटर है ये जो गया है, ये है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम के लिए, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग जो आपको डिग्री दी जाएगी वो पूरी प्योर दी गई है या नहीं दी गई, मीन्स आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं था, या 75% अटेंडेंस है वो कंप्लीट है या नहीं है, तो रेगुलर आपको सर्विलेंस पे रखा जाएगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए है, इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास ऑल सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, मतलब कोई भी ऐसा सेंटर लीगल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें CCTV कैमरा ना हो, ठीक है, सभी में ज़रूरी है, इंस्टॉल करवाएं, नहीं है तो BCI की चुई अपडेट आ चुकी है। अब स्टूडेंट को क्या करना है, मतलब ये तो चलो ठीक है कॉलेज वालों के लिए हो गया, पर कॉलेज वालों को क्यों दिया गया है, वो लॉ जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बता दी गई हैं, फर्स्ट है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक के लिए, अब जिन स्टूडेंट्स के ऊपर पहले से कोई केस है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए ये दिया गया है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक टू अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल प्रोफेशन, लॉ स्टूडेंट मस्ट मेंटेन ए क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका जो लॉ डिग्री जब आप करने जा रहे हो तो आपको क्या है क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऑल लॉ स्टूडेंट आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एनी ऑन गोइंग FIR हो, कोई क्रिमिनल केस हो, कन्विक्शन हो, एक्विटल बिफोर द इशुएंस ऑफ देयर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री, फेलियर टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग द विथ होल्डिंग ऑफ फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। इसका मीनिंग है, इसमें बताया गया है कि जैसे जो लॉ स्टूडेंट है उनको अपने जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो एक साफ रखना चाहिए, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, सभी कानून के छात्रों के लिए, मतलब जो लॉ डिग्री है जो कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अब अपनी अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी करने से पहले किसी भी चल रही FIR, आपराधिक मामले, दोष सिद्धि या बरी होने की घोषणा करनी होगी कि आपके पास आपके खिलाफ कोई FIR नहीं है, आपराधिक मामले कोई दर्ज नहीं है, दोष सिद्धि नहीं है, और आप है जो कि बाइज्जत बरी है, अगर पहले कोई थी भी तो भी उसके लिए, ऐसी जानकारी का खुलासा न करने पर सख्त जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिससे अंतिम मार्कशीट और डिग्री भी रोक ली जाएगी। यहाँ पे जो है सभी ऑल केसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू BCI को जो है वाया ईमेल से आपको भेजने, अगर कोई किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, नेम ऑफ मतलब जो भी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन है उसका, मतलब है कि ऐसे सभी मामलों की सूचना जो BCI को ईमेल के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिसका विषय होगा कि आपराधिक जो पृष्ठभूमि की जांच रिपोर्ट, कॉलेज का नाम मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उनका नाम, छात्रों को अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी करने से पहले जो सेंटर लीगल एजुकेशन है उसको BCI के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। दूसरा है आपकी रेगुलर अकाडमिक प्रोग्राम, कानूनी शिक्षा नियमों के
जो रूल्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्टूडेंट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परसुइंग मोर देन वन रेगुलर डिग्री प्रोग्राम। मतलब कानून के छात्रों को यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपनी LLB डिग्री के दौरान कोई अन्य नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं किया सिवाय भाषा कंप्यूटर, जैसे मतलब कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह होते हैं ना, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो जैसे अकाल्पिक मतलब अल्पकाल्पिक अंशकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दूर शिक्षा के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के जैसे कि नियमों के तहत अनुमति दी गई है। मतलब आप जो है शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, पर जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो आप नहीं कर सकते। एनी स्टूडेंट फाउंड वॉयलेटिंग, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये रूल ब्रेक करता है तो उसकी भी फाइनल ईयर मार्कशीट रोक ली जाएगी। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लियंस। मतलब छात्रों को घोषित करना होगा कि जब वो LLB कर रहे होंगे तो किसी भी नौकरी सेवा व्यवसाय में शामिल नहीं थे जब तक कि उन्होंने वैध कोई मतलब एक प्रमाण पत्र NOC देनी पड़ेगी आपको। प्रूफ ऑफ कॉम्प्लियंस विद द अटेंडेंस नॉर्म्स मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड एज पर रूल 12 ऑफ द रूल ऑफ लीगल एजुकेशन। मतलब उपस्थित मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण पत्र भी देना होगा। रोजगार के ऐसे सभी मामलों की सूचना BCI को ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी, जिसमें विषय होगा मतलब जो इसका सब्जेक्ट होगा, हेडिंग होगी स्टूडेंट ऑफ CLE एम्प्लॉयमेंट वोकेशन स्टूडिंग स्टेटस ड्यूरिंग LLB डिग्री कोर्स। और यहाँ पे ऐसे उम्मीदवार छात्रों को अंतिम मार्कशीट डिग्री जारी करने से पहले जो सेंट्रल लीगल एजुकेशन है BCI के निर्णय का अंतिम इंतजार करना चाहिए। रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट न करने पर अंतिम मार्कशीट और डिग्री रोक दी जाएगी, ठीक है, और सख्त जो है कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए इसमें ये बताया 4th जून कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड CCTV सर्विलेंस है, जो कि यहाँ पे ये बताया कि सभी जो सेंट्रल लीगल एजुकेशन के जो छात्र हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, LLB डिग्री कर रहे हैं, छात्रों की उपस्थिति की सटीक निगरानी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दी। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया कि इसके अलावा कक्षाओं और संस्थानों के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगाने जाने चाहिए। इन कैमरों से प्राप्त रिकॉर्डिंग को 1 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा। इनसे संबंधित किसी भी आवश्यक सत्यापन या जाँच का समर्थन करने के लिए उपस्थित छात्र का मतलब जैसे आचरण वगैरह होता है ना कि वेरिफिकेशन करना हो कैरेक्टर का, तो वो कर सकते हैं, तो ये भी दे दिया। और क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक जो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी दी है स्टूडेंट के लिए भी, तो इसका जो कंप्लीट PDF है वो आप BCI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी डाल रखी है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप के लिए सर्च भी कर सकते हो कोटपुतली एजुकेशन, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।